हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर लेटर कैसे लिखते हैं। तो ऑर्डर लेटर का मतलब, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको गुड्स का जो कोटेशन था वो पसंद आ गया, ठीक है। अब आप ऑर्डर लगा रहे हो, तो ऑर्डर लगाते हैं तो कैसे लेटर लिखते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ सेंडर, जैसे आप लिखते थे डेट, उसके बाद टू सेल्स मैनेजर, ठीक है, क्योंकि कंपनी का सेल्स मैनेजर जो होता है वही आपको गुड्स बेचेगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप सेल्स मैनेजर को लेटर लिख रहे हो। डियर सर मैम, आई एम राइटिंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द प्लास्टिक ग्लास फ्रॉम योर कंपनी। आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च एंड रिव्यू द ऑप्शन अवेलेबल, आई एम कॉन्फिडेंट दैट योर कंपनी ऑफर्स द हाईएस्ट क्वालिटी एंड मोस्ट रिलायबल प्रोडक्ट इन द मार्केट। इस तरीके से आपको लिखना होता है। आप बताते हो कि हमने बहुत जगह रिसर्च किया, लेकिन हमने आपके प्रोडक्ट को अच्छा पाया, इसलिए आपके यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। प्लीज़ फाइंड बिलो द डिटेल्स ऑफ माई ऑर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब भी आप किसी को ऑर्डर लिखते हो तो ये आपको लिखना होता है कितना यूनिट चाहिए, क्या एड्रेस रहेगा, और प्लस पेमेंट के क्या टर्म एंड कंडीशंस है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे ही आपको समझाना होता है पेमेंट के टर्म एंड कंडीशंस। और उसके बाद देखिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, देखिए I would appreciate if you would confirm the availability, ठीक है। तो availability पहले confirm करेंगे वो लोग कि आप उनके पास goods है कि नहीं है, एक mail लिख के। Plus I am ordering and provide me a total cost including by applicable taxes, shipping fees and other charges। मतलब आपने goods का तो price भेज दिया था, अब कितना shipping का लगेगा, क्या taxes लगेंगे, ये सब चीज़ का भी डिटेल आप उनसे मांगोगे, ठीक है, कि वो एक मेल आपको ड्राफ्ट करके भेजें, एक लेटर ड्राफ्ट करके भेजें जहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हों कि अब और क्या चीज़ें आपको उसमें पे करनी है। आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट एन एस्टिमेट डिलीवरी डेट सो दैट आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीव माई ऑर्डर एंड डूइंग बिजनेस विथ यू इन द फ्यूचर। तो इस तरीके से आपको क्लोजिंग लाइन लिखनी होती है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ। सिंसियरली बी कुमार एक्स वाई जेड लिमिटेड। क्लियर हो गया आपको कैसे लिखना है ये ऑर्डर का लेटर, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ही इसी फॉर्मेट को आप यूज़ करिएगा ताकि आपके लिए अच्छा रहे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।